हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं दिखा रही हूँ आपको बिस्किट का डिब्बा है मेरा। देखिए बिस्किट, मैरीगोल्ड बिस्किट हम लोग डेली खाते हैं चाय के साथ। तो इस बिस्किट के जो चूरे जमा हो जाते हैं, कुछ बिस्किट टूटे हुए भी निकल आते हैं, तो इन बिस्किट के चूरों का हम क्या कर सकते हैं? तो चलिए इससे हम एक स्वीट डेजर्ट बनाते हैं, एक रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए जो बहुत महीन चूरा नीचे का पड़ा हुआ है उसको हम निकाल, बिस्किट का चूरा, इस तरह के कुकी मोल्ड्स, वाइट चॉकलेट, मिल्क और चीनी, और यहाँ पर हमारे पास चॉकलेट चिप्स हैं। तो हम इसका इस्तेमाल करके एक स्वीट डेजर्ट बनाएंगे, जो कि मेरा खुद का अपना इनोवेशन है। मैं इस तरह से चीज़ें घर में जो भी होती है उससे मैं ट्राई करती हूँ, कुछ भी अच्छा बन जाता है। जब बहुत अच्छा बनता है तभी मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, नहीं तो मैं उस चीज़ को आपको शेयर नहीं करती हूँ। व्हाइट चॉकलेट को हम सबसे पहले गला लेंगे। तो ये चॉकलेट, इस तरह का व्हाइट चॉकलेट है, इसको मैं डाल दूंगी। इसमें मैं थोड़े से थोड़ा मिल्क ऐड कर दूंगी, करीब 4 चम्मच 5 चम्मच, जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसमें हम, ये ज़्यादा स्वीट भी नहीं है इसलिए इसमें हम थोड़ा स्वीट ऐड कर लेंगे। माइक्रोवेव में हम इसको 30 सेकेंड के लिए रखेंगे। पहले 30 सेकेंड में देखेंगे, ये अगर गल जाता है तो फिर हम दोबारा इसको नहीं डालेंगे, अगर नहीं गलता है तो फिर मैं हम इसको हम और 30 सेकेंड रखेंगे, जिससे इसका चीनी भी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इतना गल गया है, देखिए इस तरह से पक गया है ये। 30 सेकेंड और रखा है मैंने, तो इससे ज़्यादा मेरा माइक्रोवेव, आपका माइक्रोवेव कैसा काम करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे माइक्रोवेव में मैंने 30 30 सेकेंड 2 बार किया है। तो देखिए बहुत अच्छी तरह ये पक भी चुका है और गल भी गया है। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम कैरेमल बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है और चीनी इतनी चीनी ले ली है, आप कटोरी देख सकते हैं। और मैं अब इस चीनी को इसमें फैला दूंगी, और जब तक ये थोड़ा गलने ना लगे इसको नहीं हिलाएंगे हम। देखिए दोस्तों ये गलना शुरू हो गया है, और देख रहे हैं आप, ऊपर से गलना शुरू हो गया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हिला देंगे, जिससे कि जल ना जाए, और आँच थोड़ा मीडियम कर देंगे। देखिए ये गल रहा है, जब ये पूरी चीनी अच्छी तरह से गल जाएगी, बीच बीच में आप आँच तेज करेंगे और बीच बीच में आँच को कम भी करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये चीनी जल जाएगी। देखिए अब चीनी एकदम गल चुकी है, इस समय मैंने आँच को सिम करके रखा हुआ है। देखिए चीनी पूरी तरह से इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके गैस को बंद कर देंगे, गैस को बंद करके इसको थोड़ा अच्छी तरह चला लेंगे। और अब हम इसको कैरमल में थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, बड़ी ही सावधानी से करेंगे क्योंकि बहुत तेज छिट्टे पड़ने लगेंगे इससे, और इसको चलाते ही रहेंगे जिससे कि लम्स ना बन जाए। लम्स बनते हैं उसके बावजूद उसको चलाते रहना पड़ेगा, जिससे बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। देखिए आप जब इसको इसमें जब दूध मिलाते हैं, उस वक्त इसका जो आप इसमें दूध डालेंगे वो दूध गर्म होना चाहिए, एकदम खौलता हुआ होना चाहिए, नहीं तो जब आप शीरे में उसको डालेंगे तो शीरा जम जाएगा ज़्यादा, तो फिर आप मिलाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए अगर थोड़ा गर्म दूध डालेंगे तो वो मेल्ट होने में आसानी होगी। अब हम इसमें बिस्किट का चूरा डाल देंगे, कैरामल थोड़ा सा लिक्विड भी है, ज़्यादा पतला भी नहीं है,
तो इस समय हम इसमें बिस्किट का चूरा डाल देंगे तो बिस्किट बाकी जो मिल्क है वो अब्जॉर्ब भी कर लेगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए अब ये पक चुका है, इससे ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे हम इसको, अब बंद कर देंगे हम आँच। इस तरह के मोल्ड में मैं थोड़ा सा ऑयलिंग कर लूँगी। सभी कप्स में 4 कप है मेरे पास इस समय, इसी में मैं डाल लूँगी और बच जाएगा तो और कप है मेरे पास अंदर रखे हुए, निकाल लूँगी। तो अंदाजे से मैंने लिया है ये सब। मैंने इसमें थोड़ा सा चॉकलेट डाल दूँगी ऊपर से, आप चाहे जितना भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, तो मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना रही हूँ, जितने लोग हों उस हिसाब से आप बनाइए। अब मैं वाइट चॉकलेट इसमें पोर कर लूँगी, ये बहुत बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। देखिए दोस्तों, मैंने फ्रिज में रख दिया था करीब 1.5-2 घंटे तक, तो ये अच्छी तरह सेट हो गया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी है, इस मोल्ड के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, चम्मच से खा लेंगे इसको, और चाहे तो आप इसको प्लेट में पलट के भी सर्व कर सकते हैं। इसी तरह की यूनिक रेसिपीज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए नोटिफिकेशंस के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।